अच्छा, जितने भी लोग आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं उसका आप उत्तर लिखना शुरू कर सकते हैं, है ना। तो वो अभी ब्रेक के बाद बात कर रही थी आप कि आंसर राइटिंग इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसको शुरू में शब्दों में मत बांधिए। मैंने पहले भी सजेशन दिया आपको कि रेंडमली लिखिए। मान लो 200 शब्द में आ रहा है तो लिखिए, 30 में आ रहा है तो लिखिए। मॉडल आंसर की बुकलेट है ना, तो वो उसका उसकी सॉफ्ट कॉपी भी बहुत सारे पहले भेजे गए हैं आंसर टेस्ट सीरीज के। उससे अंदाज़ मिलेगा कि हमें लिखना क्या चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरा, आप वेट करोगे कि बहुत स्टैंडर्ड होगा तब हम लिखेंगे, फिर वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती है। हमेशा आप तैयार होते रहते हैं, एग्ज़ाम के बाहर भी खड़े होके, हॉल के बाहर भी आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं कि बच गया है सर, तो वो मामला कभी भी रुकता नहीं है। भले आप टॉपर हो जाओगे तो भी बोलोगे सर मुझे पूरा नहीं आता, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया ऐसी ही है। तो बेहतर है कि जितना आपने सपोज पढ़ लिया सामाजिक परिवर्तन, उसको लिख कर देखिए, बिना देखे आपसे कितना लिखते बन रहा है। अभी भूल जाओ ना कि प्रश्न क्या आया, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे बन कितना रहा है, बिना देखे क्या लिख पाते हो। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि 1935 का अधिनियम मान लो पढ़ लिया आपने, तो बिना देखे लिख कर देखो 6 पॉइंट याद है या नहीं, वही तो उत्तर है। मान लो मुझे सब कुछ याद है तो ठीक है, बड़े टॉपिक को छोटा करने में टाइम लगता है, लेकिन पॉइंट वाइज याद है तो मुझे एटलीस्ट ये तो मैं फ्री हो गया ना कि मुझे सब कुछ याद है। वहीं से आपका बेस तैयार होगा। तो बजाय आप टेस्ट सीरीज का वेट करने के, खुद लिखना शुरू कर दीजिए। इतने सारे प्रश्न आ चुके हैं, 10 साल के पेपर हैं आपके पास, ठीक है ना। 12 से शुरू हुआ था, 23 आ गया, तो कम से कम 9 साल का पेपर तो है ही आपके पास। नहीं, आप पुराना भी लिख सकते हो। मतलब देखो, विषय विषय में अंतर है। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन में कोई बदलाव नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे उसमें बदलाव है। भाई विषय में तो अंतर रहेगा ना थोड़ा बहुत। पॉलिटी में आप देखोगे करंट भी पूछा है, बेसिक भी पूछा है, दोनों तरह के प्रश्न हैं। फिर 18 में चूंकि इन्होंने कम किया सिलेबस, मैथ्स वगैरह हटा दिया, लेकिन समाजशास्त्र तो एज इट इज़ है, दर्शन भी एज इट इज़, बल्कि दर्शन को और बढ़ा दिया इन्होंने 18 के बाद, तो आपको ज़्यादा ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ तक हमने लिखा था, कुछ चीज़ें आगे लिख के फिर समझाता हूँ मैं। लिखे समाजशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। पैरा चेंज करके लिख रहे होंगे, समाजशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। फिर लिखेगा, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने 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 दृष्टिकोण के आधार पर, अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर समाजशास्त्र की व्याख्या की है। पैरा चेंज करके लिखिएगा, मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया ब्रैकेट में लिखेगा सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। यहां सामाजिक क्रिया से तात्पर्य, यहां सामाजिक क्रिया से तात्पर्य
सामाजिक व्यवहार से है, सामाजिक व्यवहार से है। अभी कुछ देर पहले आई ब्लिंकिंग वाला एग्जाम्पल दिया ना, पलकों का झपकना और पलकों को झपकाना, दोनों में अंतर है। झपकना बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो जब सोशल एक्शन होगा, जैसे आपका हाथ चलते वक्त हिलता है, ये नेचुरल है, किसी को देखकर हिलाना, या जब आप दाएं बाएं मुड़ते हैं तो हाथ दिखाना, ये क्या हुआ, ये सामाजिक या क्रिया है, सोशल एक्शन है बेसिकली, ठीक है ना। क्योंकि उसमें व्यवहार शामिल है, किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कोई व्यवहार शामिल है। इसका हम अध्ययन करेंगे, इस बात का अध्ययन नहीं करेंगे कि प्रकृति ने हमें हाथ ऐसे क्यों दिया, क्यों हिलता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ऐसे शारीरिक बनावट सबसे एडवांस किसकी है, मनुष्यों की है। आपका जो हाथ है कई जगह से बेंड हो जाता है, जैसे यहाँ से बेंड हो रहा है, यहाँ से बेंड हो रहा है, ये भी बेंड होता है, फिर फिंगर्स भी बेंड होते हैं, फिंगर्स में और फिंगर्स ये पोर्शन बेंड होते हैं। तो ये ताकि हम लोग काम को आसानी से कर सकें। जानवरों को इतनी सुविधा नहीं दी गई, इसीलिए आप देखोगे उनके पास एक ही साधन है, दांत और पंजे, बस इतने से उनको जो भी काम करना है, ठीक है। अब जैसे टाइगर अपने बच्चे को उठाता है या बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है, तो हमें लगेगा अरे दांत चुभ ना जाए, लेकिन उनको टेक्निक नेचर ने वही दिया है, मुंह से उठाते हैं, और वही आपको वो ऐसे पकड़े तो दांत आर पार हो जाए। लेकिन जब वो अपने बच्चे को उठाते हैं तो आप देखोगे उनको कोई चोट नहीं लगती, एज इट इज उठा के वो रख देते हैं, क्लियर है। तो प्रकृति ने कितना बढ़िया सिखाया। तो एनीवेज, मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, कुछ और भी जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं, लेकिन सभी जानवरों में एक तरह का व्यवहार हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनमें सोचने समझने की शक्ति तुलनात्मक ढंग से कम है, जानवरों में उनकी अपेक्षा ज़्यादा है, मनुष्यों में और ज़्यादा है। तो जानवरों में इमोशंस होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर अंतर पैदा होगा। तो इसलिए हम लोग सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं, ना कि जानवरों की गतिविधियों का। हाँ, अब जैसे एक अध्ययन का मुद्दा ये हो सकता है कि लोग जानवर क्यों पालते हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली ये सब पालते हैं ना, गाय वगैरह क्यों पालते हैं, घर में बच्चे संभाल नहीं रहे हैं और ऊपर से आपने और कुत्ता पाल लिया, है ना। तो वो भी, उसका भी समाजशास्त्रीय अध्ययन है कि क्या वजह है कि लोग वैसा जानवर पालना चाहते हैं। उसके बहुत सारे आयाम देखे गए, जैसे वो आपसे जिद नहीं करता जानवर, उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ मनोवैज्ञानिक आधार, जो बीमार बच्चे होते हैं ना, मानसिक रूप से कमजोर बच्चे, उनको जानवरों के साथ खिलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जानवर निश्चल होता है, वो आपसे बहुत मतलब बिना शर्तों के प्यार करता है। तो जानवरों को उनके जो केमिस्ट्री है उसका मनुष्य के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा व्यक्ति जानवर से बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है ना, घर में जो कुत्ते उत्ते के बच्चे पालते हैं जो लोग, तो आप देखो उनको बहुत लगाव रहता है, जहाँ जा रहे वहाँ लेकर जाते हैं, अपने बच्चों की तरह वो लोग देखभाल करते हैं। तो कई बार वो भी एक आधार होता है, जैसे बुजुर्ग माता पिता, उनके सारे बच्चे बाहर चले गए पढ़ने लिखने, तो वहाँ ज़्यादा संभावना है कि वो लोग किसी डॉग को रख लेंगे, क्योंकि दिन भर आप उसकी सेवा जतन में लगे रहोगे। तो कई बार आप देखोगे जीने का कारण है, चूंकि वो रिस्पॉन्ड करता है, पेड़ पौधे आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करते कि जैसे आज पानी डाला और बढ़ गए तुरंत, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जानवर को जैसे ही आपने कुछ दिया, वो आपके आगे पीछे आएगा, आप बुलाओगे तो वो आ जाएगा। तो व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट होता है कि मेरा आदेश किसी ने पालन किया, मेरे आदेश का पालन किसी ने किया, ईगो सेटिस्फाई होता है। अक्सर आप देखोगे जो लोग सेना में रहते हैं, सेना से जो रिटायर होंगे, उनके यहाँ अक्सर डॉग मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो फौजी अफसर है ना, उसको ऑर्डर मनवाने की आदत पड़ चुकी होती है, बीवी तो मानती नहीं है, बच्चे वैसे बाहर हैं, तो अब किस पर ऑर्डर जमाए, कम कम यस, भाग के आता है वो, नहीं आया तो उसकी पिटाई भी होती, देखा मेरी बात मानता है, है ना। तो सबके अलग अलग कारण हैं। वापस आते हैं टॉपिक पर, तो बात कर रहे थे हम लोग सोशल एक्शन की। लिखिएगा, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। यहाँ सामाजिक क्रिया से तात्पर्य सामाजिक व्यवहार से है, यहाँ तक लिख लिया हमने,
जब हम कोई सामाजिक व्यवहार करते हैं, जब हम कोई सामाजिक व्यवहार करते हैं, तब इसका अर्थ वैसे व्यवहारों से होता है जिन्हें हम किसी व्यक्ति या समूह के संदर्भ में करते हैं, किसी व्यक्ति या समूह के संदर्भ में करते हैं। ओके, आगे लिखेंगे। आगे लिखिएगा, एकांत में भगवान का ध्यान करना, एकांत में भगवान का ध्यान करना सामाजिक व्यवहार नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यवहार का संबंध ना किसी व्यक्ति से है और ना किसी समूह से। ऐसे, फिर से बोलता हूं, एकांत में भगवान का ध्यान करना सामाजिक व्यवहार नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यवहार का संबंध ना किसी व्यक्ति से है और ना किसी समूह से। मतलब वो उसकी अपनी गतिविधि स्वयं के लिए है। जैसे आप मंदिर में जाकर पूजा करें तो वो एक सामाजिक व्यवहार है, ठीक है? या कुछ लोगों के साथ, जैसे करवा चौथ में आप देखोगे महिलाएं उपवास रखती हैं, तो कई बार सामाजिक दबाव, नैतिक दबाव भी होता है। बिल्कुल नव नवेली बहू आई है और वो आईटी इंडस्ट्री में जॉब करती है, जीवन में कभी पूजा नहीं किया, लेकिन शादी होने के बाद बहुत मानसिक दबाव में रहती हो, है ना? कि अड़ोस पड़ोस के या घर के लोग आज व्रत रखे हुए हैं, मुझसे व्रत रखा नहीं जाएगा, कभी मैं भूखी नहीं रही हूँ, है ना? लेकिन वो मानसिक दबाव जो है, सामाजिक दबाव के कारण वो भी व्रत रख लेती है, ठीक है? शाम तक उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि व्रत रखा नहीं जीवन में, कभी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इससे होगा क्या, लेकिन भयंकर दबाव है उसके ऊपर समाज का। तो जिस मोहल्ले में रह रही, वहाँ की सारी महिलाएं जा रही हैं, परिवार में एक दो और महिलाएं वो भी जा रही हैं, कहा तुम भी चलो, वो भी दबाव में है। तो पूजा पाठ, अब वो जब वो वहाँ जा रही है तो उसका वो एक सामाजिक व्यवहार है, कुछ व्यक्तियों से जुड़ी हुई है वो। वहाँ उसका व्यवहार क्यों है, ये शोध का विषय, ऐसा उसने क्यों किया, ये शोध का विषय। आ रहा समझ में? ठीक, इसी चीज को समाजशास्त्र अध्ययन करता है। आई होप समझ पा रहे हैं कहाँ पर समाजशास्त्र आएगा, ठीक है? आगे लिखिएगा, एक स्कॉलर हैं गिंज बर्ग, गिंज गमला का ग वाला, गिंज बर्ग लिखिए पैरा चेंज करके। गिंज बर्ग के अनुसार समाजशास्त्र व्यापक अर्थों में, गिंज बर्ग के अनुसार समाजशास्त्र व्यापक अर्थों में मानवीय अंतःक्रियाओं, समाजशास्त्र व्यापक अर्थों में मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी अवस्थाओं अंतः संबंधों उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है, परिणामों का अध्ययन है। हाँ, डिपेंड करता है, मान लो 125 शब्द में आ गया तब तो लिखोगे, नहीं तो अपने शब्दों में लिख दो, ठीक है ना? अब मान लो इत्तेफाक होता है कि आपको मैक्स वेबर की परिभाषा याद थी, तो उठा के उसी को लिख कर आ जाओ, बिना वेबर साहब का नाम लिखे, मेरी परिभाषा है भाई, उन्होंने परिभाषा पूछा है, आपने लिख दिया, तो
वो कहाँ बोला है कि किसी का लिखो या मत लिखो, वो तो परिभाषा ही बोल रहा है ना। हाँ अच्छा ये होगा कि आप अपने शब्दों में उसको ढाल के तैयार करें कि सर मेरे अनुसार यह है सबका मिला जुला के, नहीं तो किसी का रट के आप गए हो तो उसी को उतार के आ जाओ, क्या दिक्कत है। हाँ बिल्कुल करना होता है, ये वर्ड लिमिट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास 60 शब्द हैं तो 30 में तो परिभाषा आ गई, अब बचे हुए 30 में क्या करें, तो 30 में फिर उसके आगे पीछे का डिटेल लिख दो, है ना, ये एक विज्ञान है उसकी विशेषता डाल दो, नहीं पूछा है फिर भी डाल दो, क्योंकि 60 शब्द तो भरने हैं ना। क्लियर हो रहा है, डिपेंड करता है शब्द सीमा क्या है। बिल्कुल, आप बड़े क्वेश्चन में एक दो का नाम लिख दीजिए ना, मैक्स वेबर का लिख लो, कार्ल मार्क्स का लिख लो, ठीक है ना, बड़े प्रश्न में। अब 100 वर्ड्स में आया तब क्या करोगे, तब भी तो लिखोगे, 125 में आया तब तो लिखना ही है, तो जनरल लिखकर एक दो परिभाषा आपको याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी वो लोग इस बात को चेक नहीं करेंगे कि आपने शब्दशः वैसा ही लिखा है या नहीं, किताब के जैसा, ऐसे वो लोग चेक नहीं करते हैं, इसलिए वो ज़रूरत नहीं है आपकी कि आप उसको एज इट इज़ लिखें, ठीक है। क्लियर हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से उसको अपने शब्दों में ढालकर लिख सकते हैं, लिख कर दिखाइए ना कुल मिलाकर, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग ये ठीक वैसे ही है कि सर मैं हाथ पर कैसे मारूं पानी में, स्विमिंग सीखना है तो कितना भी पूछ लो बाहर में, जब तक आप पानी के अंदर हाथ पैर नहीं चलाओगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। बाहर में पूरी ट्रेनिंग दे दूं आपको कि देखो इतने डिग्री हाथ घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, कोई मतलब नहीं, ये ठीक वैसे ही, पहले तो वही लिखना है प्रायोरिटी में, उसके अलावा तभी दाएं बाएं घूमना है जब शब्द सीमा ज्यादा है या जगह बच रही है। आप लिख के दिखाओ ना, पूछने से कुछ नहीं होगा बच्चे, लिख के दिखाओ ना, आप कितने दिन से क्लास कर रहे हो बताओ, और आज तक एक भी आंसर नहीं दिखाए। हाँ तो लिखो, हाँ तो फिर क्या मतलब ना बच्चे, खुद ही चेक, ठीक है आपके अंदर क्षमता है खुद ही चेक करने की तो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दूसरों को दो ना, टीचर्स तो मिलते ही हैं आपको सारे विषय के, और बहुत सारे बच्चे कॉपियां भर भर के फेंक डाले अपना चेक करा करा के, तो बिना चेक कराए कैसे होगा ना, आप संकोच में ही रहोगे, मन में होगा नहीं परफेक्ट हो जाऊंगी तब चेक कराऊंगी, वैसा वो दिन कभी आता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा, पैरा चेंज करके लिखिएगा। पार्क एवं वर्जिस के अनुसार, पार्क गार्डन वाला जो पार्क होता है आपका, पार्क एवं वर्जिस लिखे, बी बकरी का बा, वर्जिस ने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। तो ये तीन चार बातें हो गई जिसमें हमने समझा कि समाजशास्त्र बेसिकली किस रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद अर्थ क्षेत्र एवं प्रकृति, तो ये अर्थ हो गया, ठीक है। अब ऐसे समझो कि समाजशास्त्र दिखेगा कहाँ, उदाहरण से समझ लीजिएगा, जैसे बस में आप जा रहे हैं तो बस में समाज है या नहीं, बस में यात्री बैठे हैं उसको हम समाज बोल सकते हैं या नहीं, बाद में हो सकते हैं, वेरी गुड, प्रारंभिक में नहीं है क्योंकि आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ट्रेन में जब आप बैठ रहे होते हैं तब समाज नहीं है क्योंकि आपके बीच कोई अर्थपूर्ण संबंध नहीं है, ये तो भीड़ के समान हुआ ना, आप भीड़ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका वहां उद्देश्य है, भीड़ कौन है, जैसे 20-25 लोग एक साथ आ रहे हैं कोई एक दूसरे को नहीं जानता वो भीड़ है, इकट्ठे हो गए बस हो गए, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो उसको देखने के लिए राहगीर रुक जाते हैं वो भीड़ है। अब लेकिन यहां पर जो बस में बैठे हैं उन्होंने टिकट कटाया कि हमें दिल्ली जाना है बस से, तो उनका उद्देश्य स्पष्ट है कि दिल्ली जाना है, ठीक है, सभी किससे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, सभी के पास लगेज होगा, तो यहां पर भले वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अब ये भी समाज नहीं है, लेकिन 3 दिन की यात्रा में पहले दिन वो लोग समाज नहीं थे, 3 दिन की यात्रा में समाज बन गए क्योंकि एक दूसरे को जानने लगे, फोन नंबर एक्सचेंज हो गया एंड बहुत कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थपूर्ण संबंध जब विकसित हो जाए तो वहां से समाज विकसित होना शुरू होता है।
राह चलते आप नहीं बोल, लेकिन आपको समाज दिखता कैसे है, समाज को कैसे महसूस करते हैं? जब समाज के विपरीत जाना शुरू करते हैं तब समाज आपको दिखाई देना शुरू होता है, तब आप बोलते हैं समाज के लोग क्या बोलेंगे। जैसे अक्सर होता है शादी के मामले पर मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई समाज क्या कहेगा, तो कौन है समाज, किनकी चिंता कर रहे। मान लो आपने कहा कि भाई मम्मी मुझे उससे शादी करनी है, पता चलो दूसरी जाति का व्यक्ति है या लड़की है, जाति धर्म अलग है, तब मम्मी क्या बोलेंगी, भाई समाज के लोग क्या बोलेंगे, हमें मुंह दिखाना है या नहीं। तो आपका समाज कहाँ से शुरू हो रहा है, आपके घर से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। जबकि आप बोल रहे हो कि भाई शहर में तो हम पहली बार आए, हमारा समाज कहाँ है, तो वो अपना समाज पीछे ढूंढ रही मम्मी, रिश्तेदारों में, है ना, वो पुराने पड़ोसी क्या बोलेंगे, जबकि उनसे कोई मेल जोल भी नहीं है, तो उनके लिए वही समाज है। तो इस रूप में क्या होता है कि समाज को आप मूर्त रूप में कभी भी तभी देख पाते हैं जब महसूस करते हैं कि समाज का दबाव है। जैसे मृत्यु भोज में जो लोग आए होते हैं वो कौन है, वो एक तरह से समाज है। हो सकता है आप बहुत लोगों को नहीं जानते होंगे, लेकिन वो सामाजिकता है कि लोग पहुंच गए कि क्यों जाना है, क्योंकि उससे व्यक्ति का दुख कम होता है। ठीक है, अब आप दो रीजन से जाते हैं किसी व्यक्ति के अंत्येष्टि में, एक तो जो चला गया उससे आपको बहुत लगाव था या सम्मान करते थे आप, या दूसरे जो लोग जिंदा बचे हैं या तो आपका संबंध उनसे है या उनका सम्मान रखना चाहते हो आप। तभी तो होता है ना ऐसे, जैसे कोई बहुत प्रिय मित्र है, आप उसके माता पिता को नहीं जानते, उसके घर में कुछ घटना हुई तो आप जो व्यक्ति चला गया उसके लिए नहीं गए, वो जो व्यक्ति जिंदा बचा उसके लिए आप गए। तो सामाजिकता इन्हीं सब चीज़ों से दिखाई देती है और इसी को समाजशास्त्र अध्ययन करता है। तो जहाँ पर कोई काम हो रहा है, कोई संबंध विकसित हो रहा है, वहाँ पर समाज अपने आप विकसित होता हुआ दिखाई देगा। समाज की कोई सीमा नहीं, ध्यान रखिएगा, समाज की कोई सीमा नहीं है। जैसे अमेरिका भी क्या है, मानवीय समाज है, हम बोलते हैं ना समाज, तो आप जहाँ रह रहे हो वही आपका समाज है। फिर आप वहाँ रहकर भारत की चिंता नहीं करोगे। आप मान लो आप चले गए बोरिया बिस्तर उठा के अमेरिका, वहाँ रह रहे हैं, अब वहाँ किसी को लव मैरिज करनी है तो थोड़ी ना बोलेगा भारत के लोग क्या बोलेंगे मुझे, आप तो चली गए हो उठ के वहाँ पर, वैसे किसी को मतलब नहीं आपसे। तो आप वहाँ जाकर वहाँ के समाज की चिंता करते हैं कि मुझे देख रहे हैं लोग क्या बोलेंगे, है ना, लोग क्या सोचेंगे। तो कई बार हम लोग बिना मतलब के भी परेशान रहते हैं कि लोग पता नहीं क्या बोल रहे होंगे, कौन नोटिस कर रहा होगा। जैसे अक्सर मान लो किसी फंक्शन में आपको जाना है तो आप ये सोचते हो ना, मतलब खासकर गर्ल्स में ये पैटर्न देखा गया है, यार ये वाला कपड़ा तो पहले पहन के गई थी मैं, है ना। बॉयज़ को आप देखोगे उनको कोई मतलब नहीं है, कई दिन से उसी को पहन रहे हैं फिर भी पहुंच गए। ठीक है, उद्देश्य अलग अलग सबका, तो ये भी सामाजिकता है, क्योंकि आपको डर है कि समाज में कोई क्या बोलेगा। और वो बोलने का डर क्यों है, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, यहां पर समाज है तो राह चलते समाज नहीं है। फिर आप बोलेंगे सर समाज हम किसको बोलें एग्जैक्टली, तो फिर से कह रहा हूं कि समाज वहीं पर है जहां आप किसी को जानते हैं या आपको वो लोग जानते हैं। क्लियर है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, अब आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप किसी घर में बर्तन भी धो रहे हो तो आपको चिंता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी आपका समाज वहां विकसित नहीं हुआ है। तो जब तक अर्थपूर्ण संबंध ना हो समाज विकसित नहीं होगा। क्लियर है, तो समाज के विकसित होने में, समाज तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन आप अपने आसपास किसको समाज बोलते हैं वो मायने रखता है। अब बैंगलोर में क्या हो रहा है इसे आपको बहुत लेना देना नहीं, लेकिन शंकर नगर में कुछ होगा आप अटैच हो जाओगे, आपके घर के आसपास कुछ होगा आप अटैच हो जाएंगे, तो वो एक सामाजिकता या समाज की बात हम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो समाजशास्त्र इस बात को अध्ययन करेगा कि आपकी जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो ऐसी क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, कोई ना कोई समस्या होगी जिसका कारण या जिसका समाधान हम ढूंढना चाहते हैं। जैसे नशाखोरी समाज में क्यों ज्यादा है या छत्तीसगढ़ में क्यों ज्यादा है, कोई तो इसका सामाजिक कारण होगा, और बिना सामाजिक कारण के कोई, अच्छा ये सामाजिक गतिविधियां हैं, जैसे आप देखोगे समूह में सिगरेट पीना या समूह में नशे की आदत, या है ना खैनी बनाकर देना, ले भाई ऐसे ऐसे सबको बांट रहे हैं, तो ये क्या है, सामूहिकता है। शराब अक्सर आप देखोगे
बहुत कम लोग होते हैं जो अकेले पीते हैं, अक्सर कोई साथ चाहिए। किसको सुनाओगे, बोलने के लिए कुछ तो चाहिए ना, है ना, झेलने वाला कोई तो चाहिए। तो अक्सर आप देखोगे सामाजिकता उसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। स्मोकिंग व्यक्तिगत कम, सार्वजनिक ज्यादा है, और जो लोग सीखते हैं वो सार्वजनिक जीवन में ज्यादा सीखते हैं। ले ले मार के देख एक बार, बस वही जो है फिर आजीवन आदत, है ना। तो वो सामाजिकता या परिवेश वैसा रहा। इसी चीज को समाजशास्त्र अध्ययन करेगा, और अध्ययन करके वो पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्यों युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई, आदत में बढ़ोतरी हो गई, उसका अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन करके जो कंक्लूजन निकलेगा, या तो सरकार उस कंक्लूजन को मांगेगी या कोई प्राइवेट कंपनी खरीदेगी कि लोगों को घर में कलर कौन सा पसंद है, सर्वे करेगी। तो एक तरह से समाजशास्त्र में सर्वे भी होता है, ठीक है ना। और बहुत सारे समाजशास्त्रियों को सर्वे में लगाया जाता है, और उनके बनाए गए रिपोर्ट को बेचा भी जाता है, महंगे दामों पर बिकती हैं वो चीज़ें, क्योंकि उससे आप कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो आपको पता लग जाए कि एजुकेशन किस तरह से चाहिए, तो आप बढ़िया स्कूल खोल सकते हो। मान लो आपको पता लग ही गया कि ये डिमांड है, तो प्रॉब्लम में ही बाजार छुपा होता है एक्चुअली। जहां प्रॉब्लम है वहां बाजार छुपा हुआ है, क्योंकि आप समाधान दे दो वो बिकना शुरू हो जाएगा। जैसे रायपुर में युवाओं की बड़ी समस्या है कि खाना ढंग का नहीं मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को किसी ने देख लिया तो टिफिन सेवा शुरू कर सकता है। क्या पसंद है क्या नहीं, मान लो सर्वे आपके हाथ आ जाए तो आप उसी आधार पर चालू कर सकते हो ना, देखकर। तो एनीवेज ये सारी चीज़ें समाजशास्त्र में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए समाजशास्त्र का अध्ययन किया जा रहा है। और इस बीच ये जो सिलेबस का हिस्सा है वो आपको समाज के बारे में डिटेल समझाने का प्रयास करता है कि इनमें अंतर क्या है। और ये बहुत रियलिस्टिक सब्जेक्ट है, जो दिख रहा है वही आप पढ़ रहे हो। इतिहास में क्या है, घटनाएं घट चुकी हैं, अब उनका विश्लेषण कर रहे हो कि उनके यहां पर अनाज रखने का बर्तन क्यों था, उसका विश्लेषण करते हो आप। युद्ध क्यों हुआ, युद्ध के पश्चात क्या हुआ, तो उन सभी घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से आप याद करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र वहां भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिससे हमें समाज के बारे में पता लगता है कि सामाजिक घटनाएं जो घट रही हैं उनके पीछे कारण क्या है, और यदि वो प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उस समस्या का समाधान क्या है। तो इस तरह से आप समाजशास्त्र को पढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है, कुछ और लिखिएगा। समाजशास्त्र का क्षेत्र या विषय वस्तु, लिखिएगा समाजशास्त्र के क्षेत्र या विषय वस्तु को अलग कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों ही शब्दों का अर्थ लगभग एक रूप में देखा जा सकता है, लगभग एक रूप में देखा जा सकता है। दोनों के अंतर वस्तु में कोई अलगाव नहीं है, दोनों के अंतर वस्तु में कोई अलगाव नहीं है, जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है वही उसका विषय क्षेत्र भी है। पैरा चेंज करके लिखेगा, एमिल, एमिल व्यक्ति का नाम है, एमिल दुर्खिम,
हाँ बेटा, अब हिंदी में तो दुर्खिम पढ़ लिया, अंग्रेजी में डरखाइम है, वो तो एमाइल तो बोल दिए, इधर डरखाइम नहीं बोले आप, तो हिंदी की किताबों में ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है? तो आपको अंग्रेजी नाम भी पता होना चाहिए स्पेलिंग सहित, क्लियर है? तो जब एमाइल लिखोगे तो डरखाइम भी लिखना, और जब एमिल लिखोगे तो दुर्खिम लिख सकते हो आप, ठीक? लिख लीजिए, दोनों एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड शब्द हैं, एमिल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को तीन भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है, पहला सामाजिक आकारिकी, आकार से आकारिकी, आकारिकी, मॉर्फोलॉजी, यस, इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी, ठीक है? अब इसमें एक दो लाइन लिखिएगा, दुर्खिम यह मानते थे कि प्रत्येक समाज पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक समाज पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, अतः भौगोलिक पर्यावरण का समाज पर प्रभाव का अध्ययन, भौगोलिक पर्यावरण का समाज पर प्रभाव का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी चीज समझो, भूगोल का संबंध आपके कल्चर से है, ठीक है ना? जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति का सीधे संबंध आपके भूगोल से है, ठीक है? इसके अलावा एक और चीज समझिएगा, जब आप हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा के पतन की थ्योरी पढ़ते हैं आप, है ना, कि उनका पतन क्यों हुआ था, तो संभावित कारणों में क्या मानते हैं कि या तो बाढ़ आ गई होगी, है ना, या जलवायु परिवर्तन का असर होगा, सुनामी टाइप की कोई चीज़ आ गई होगी, या ज़्यादा बारिश होने लगी होगी तो धीरे धीरे वो लोग वहाँ से छोड़ के हटे और बिखर गए, क्योंकि भाई इधर भी तो बसा ना बाद में, दक्षिण साइड भी, तो दक्षिण में कौन आया था, वही लोग थे या कोई और था, है ना, या वो लोग सारे के सारे मर गए, पानी में बह गए, बहुत सारी थ्योरी है उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण का असर मानवीय समाज पर पड़ता है, तो ये हमारे लिए पर्यावरण है ना? जैसे आप देखोगे कि कोस्टल एरिया में जो समाज है वो अलग दिखता, उसकी अलग संस्कृति है, वहीं पर मैदानी क्षेत्र में अलग है, पहाड़ी क्षेत्र में अलग है, पहाड़ी क्षेत्र में और समुद्री क्षेत्र में आप देखोगे लोग जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि सूरज ढलने का टाइम मैदानी क्षेत्रों से अलग है वहां पर, तो आपको लगता है अरे लोग बहुत जल्दी सो गए, है ना, आप घड़ी देखोगे अरे 6 ही बजे अभी सो गए लोग सब, ऐसा लगेगा, क्योंकि पहाड़ में जैसे ही, चूंकि हाइट के कारण जो लोग पहाड़ के इस तरफ रह रहे हैं उनके लिए बहुत जल्दी अंधेरा हो जाना, तो अंधेरा होते ही उनके लिए तो रात हो गई, और ठीक उल्टा होगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में तो सूरज जल्दी दिखाई देगा आपके हिसाब से, वो 3 बजे ही पता चला, 3:30 बजे 4 बजे सूरज दिख गया, तो उस वक्त उनको जागना है, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अलग सेट है टाइम के हिसाब से, वहां जाते ही कुछ और हो गया, तो इस तरह से आप क्या करते हो कि अपने आप को एडजस्ट करते हो, है ना? समुद्री क्षेत्र में भी कभी आप जाओगे तो आप देखिएगा, मान लो गोवा वगैरह कभी गए हैं और गोवा का टूर वगैरह कर रहे हैं, तो लोग मैक्सिमम 5 बजे 5:30 बजे आपको ऐसा लगे सब सो गए होंगे, ऐसा लगेगा पूरा खाली हो जाता है, वीराना, क्योंकि सूरज ढलते ही उनका काम खत्म, रोजगार उसी से है उनका। फिर उन क्षेत्रों में आप देखोगे प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा होगा, नॉनवेज का कंजम्पशन ज़्यादा होगा कोस्टल एरियाज में,
जबकि पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर आप देखोगे मतलब वो लोग शाकाहारी होंगे, है ना, फल फ्रूट ज्यादा खा रहे होंगे। और इधर के क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में आप देखोगे पूरे टाइम इनका फिश इंटेक बहुत ज्यादा होगा, प्रोटीन इंटेक। तो दुनिया के जितने भी बेस्ट धावक हुए हैं वो सब कोस्टल एरिया के, ठीक है। आज भी मैराथन में आप देखोगे कोस्टल एरिया वाले ही टॉपर होते हैं, है ना, मैराथन दौड़ जब होती है, क्योंकि उनको शारीरिक बनावट बहुत कमजोर दिखाई देगी, अरे लगेगा तो गिर जाएगा, पता चला वही मैराथन में टॉपर है क्योंकि उसका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा है। एनीवेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी संस्कृति का कनेक्शन सीधे सीधे भूगोल से। जम्मू कश्मीर के लोग जो भी पहनावा पहन रहे हैं अभी, बिकॉज ऑफ देयर एनवायरमेंट, टेम्परेचर वैसा है वहां का, इसलिए उनको ऐसा पहनना पड़ता है, ठीक है। तो हर तरह से उनकी संस्कृति, अच्छा खान पान भी वैसे आपका डिसाइड होता है, क्लियर है। अब ऐसे क्षेत्रों में आप देखोगे अक्सर शराब का कंजम्पशन होगा, पेय पदार्थ, जैसे गर्माहट पैदा हो शरीर में, वो नशे के लिए शराब नहीं पी रहे, शरीर को गर्म रखने के लिए। जैसे अभी कनाडा के तरफ आप देखोगे -20 डिग्री टेम्परेचर है ना, -20। तो अब -20 में क्या होता है, एक टाइम के बाद ठंड लगनी बंद हो गई, है ना, क्योंकि इतना ठंडा सब तरफ है कि ठंड लगनी ही बंद हो गई। तो वैसा मौसम है वहां पर, जैसे वो बर्फ में खेल के आते हैं लोग, तो बर्फ तो ठंडा होता है, तो उसके बीच एक आध घंटे रहने के बाद आप देखोगे आपको ठंड लगनी बंद हो जाएगी। उसका रीजन यही है कि आपका शरीर उससे अभ्यस्त हो जाता है। एनीवेज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर बात हो रही थी कि इसका स्कोप कहाँ पर है, समाजशास्त्र का स्कोप। स्कोप मतलब क्या हुआ कि समाजशास्त्र किन चीजों का अध्ययन करेगा, इसी चीज को आप लोग लिख रहे हैं, क्लियर है। ओके, अतः भौगोलिक पर्यावरण का समाज पर प्रभाव का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, यहां तक लिखे। इसके अतिरिक्त उन्होंने, हाँ उसी पैरा में, इसके अतिरिक्त उन्होंने जनसंख्या और उसका आकार एवं घनत्व, उसका आकार एवं घनत्व आदि को भी सामाजिक आकार में रखा है, सामाजिक आकार में रखा है, और इसे भी उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है, इसे भी उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। दूसरा बिंदु, सामाजिक रचना इसमें लिखेंगे सोशल फिजियोलॉजी, अंग्रेजी शब्द भी लिख लीजिए, फिजियो PHY SI फिजियो लॉजी लिखे। दुर्खिम ने कहा है कि, दुर्खिम ने कहा है कि कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनसे समाज का निर्माण होता है, जिनसे समाज का निर्माण होता है, जैसे परिवार, नैतिकता, धर्म आदि। बोल देता हूं मैं, जैसे परिवार, नैतिकता, धर्म आदि, इन तत्वों से समाज का, इन तत्वों से समाज का न केवल निर्माण होता है बल्कि इनसे व्यवस्था और एकता भी बनी रहती है। बल्कि नहीं, ऐसा लिखे, धर्मादि लिखे, इन तत्वों से समाज का न केवल निर्माण होता है बल्कि इनसे व्यवस्था और एकता भी बनी रहती है। अतः इन तत्वों का अध्ययन भी
अतः इन तत्वों का अध्ययन भी समाजशास्त्र का ही कार्य है। समाजशास्त्र का ही कार्य है। इसका लिखिएगा सामान्य समाजशास्त्र। तीसरा तीसरा सामान्य समाजशास्त्र जनरल सोशियोलॉजी लिखे। दुर्खिम द्वारा दिया गया यह तीसरा भाग अत्यंत व्यापक है। अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत लगभग लगभग सभी सामाजिक प्रक्रियाएं समूह लगभग सभी सामाजिक प्रक्रियाएं समूह और संस्थाएं आती हैं। लगभग सभी सामाजिक प्रक्रियाएं समूह और संस्थाएं आती हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। आगे पैरा चेंज करके लिखेगा। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र के निम्नलिखित विषय वस्तु हैं। विषय वस्तु हैं उनके अनुसार मुख्य विषय वस्तु उनके अनुसार मुख्य विषय वस्तु सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या है। सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या जैसे उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया वस्टहेन पद्धति। ठीक है। वस्टहेन पद्धति। अब वो क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है समझ विकसित करना। उन्होंने क्या बोला, सभी सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए, है ना, तभी समाजशास्त्र समझ पाएगा। कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, ये ट है, ठीक है, ऊपर र की मात्रा वर्स्ट, ठीक है ना, वो डब्ल्यू आर ओ एस टी वाला वर्स्ट, खराब वाला वर्स्ट नहीं है ये, ठीक है, वो एक्चुअली सब फ्रेंच वर्ड्स हैं बेसिकली। तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, तो मंदिर जाने का उद्देश्य आप समझोगे, बाहर बैठ के आप देख सकते हो, तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे आपको लगेगा कि अच्छा जूता चप्पल उतारा है और मंदिर जा रहा है, मतलब पूजा करने जा रहा है, ठीक है, ये क्योंकि एक सामान्य घटना है जिसको आप मान लेते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा। पता चला वो चप्पल चुराने गया है, मंदिर गया है तो चप्पल चुराने गया है, उसका उद्देश्य अलग है। या पता चला कि वो इलेक्ट्रीशियन है, वहाँ बिजली ठीक करने गया है, मंदिर में पूजा नहीं करने गया है वो। या पता चला कि मुलाकात का टाइम वहीं डिसाइड हुआ है, उधर ही मिलना, मम्मी के साथ आऊँगी, है ना, तो पता चला कि मीटिंग पॉइंट है वो। तो मंदिर जाने के कई उद्देश्य हैं। तो मैक्स वेबर का कहना है कि जो सामाजिक क्रिया कर रहा है व्यक्ति, उससे पूछा जाए कि भाई साहब आप मंदिर क्यों आए, तो वो जो जवाब देगा उसमें वैज्ञानिकता ज़्यादा है। आप दूर बैठकर देख रहे हैं अवलोकन के माध्यम से, तो आपके अंदाज लगा रहे हैं ना ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि पूर्व मान्यताएं आपके दिमाग में हैं, प्री कंडीशनिंग जिसको हम बोलते हैं, उनके आधार पर आपने सोच लिया कि ऐसा ही हो रहा होगा। जैसे मान लो कोई पुलिस थाने गया है, थाने में दिख गया, तो क्या मानोगे, उसके जीवन में कुछ तो गड़बड़ हुई है तभी हो गया है। पुलिस आपके घर में आ जाए मान लो गाड़ी भर के, तो आपको लगे इस घर में कुछ तो अशुभ कार्य हुआ है,
ऐसा मानोगे ना, क्योंकि हमारी मानसिकताएं वैसी हैं। पता चला कि नहीं, वो सब पुलिस वाले एक ही भाई के दोस्त हैं, सब चाय पीने आए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि गाड़ी में भर के आए, धड़ 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 उतरे वो लोग, तो आपको लगा कुछ घटना हुई, किसी को उठाने ले आए हैं लोग, क्योंकि मानसिकता वैसी हमारी है। तो कुल मिलाकर इसीलिए मैक्स वेबर ने कहा कि हमें वैज्ञानिकता के पीछे जाना चाहिए कि क्या प्रमुख कारण है, कौन से वैज्ञानिक कारण है जिनकी वजह से इस घटना का जन्म हुआ या सामाजिक क्रिया का जन्म हुआ। क्लियर हो रहा है? उसके सामाजिक कारणों में जाना, जैसे भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या सामाजिक क्रिया है या नहीं? है। तो उसके पीछे वैज्ञानिक अध्ययन करना कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। तो वैज्ञानिक अध्ययन कैसे होगा? जब आप उसमें कोई तथ्य शामिल करेंगे। भाई वैज्ञानिकता का अर्थ क्या हुआ? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक जब किसी चीज को बोलोगे, सार्वभौमिकता होनी चाहिए, तथ्य होने चाहिए। ऐसा नहीं ना हवा में बात हो जाए कि अरे बहुत गर्मी लग रही है, तो गर्मी किस आधार पर लग रही है? टेम्परेचर देखोगे ना आप कि भाई इतने डिग्री में व्यक्ति को गर्मी लग सकती है। बिल्कुल बात सही है। अब कोई बोले 20 डिग्री में भी गर्मी लग रही है, इसका मतलब वो बीमार है, वो है ना। या 10 डिग्री में कोई बोले यार बहुत गर्मी लग रही, पसीना निकल रहा है, इसका मतलब बीमार है। तथ्य आपको देखना पड़ेगा। तो तथ्य के आधार पर किसी घटना का अध्ययन करना कि कितने भ्रूण की हत्या हुई है, कब कब हुई है, किस धर्म जाति के लोगों ने किया है, उनकी आय का रेंज क्या है, पढ़े लिखे कितने हैं, इन सारे तथ्यों को जब आप विश्लेषित करोगे तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। आ रहा समझ में? यदि आप मान लो कि भ्रूण हत्या तो गरीबों का काम है, फिर हरियाणा पंजाब में तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वहां क्यों हत्या हो रही है? ये सोचोगे कि बाल विवाह तो आदिवासियों में होता है, तो आप देखो पढ़े लिखे समाज में भी हो रहा है ये, इसका मतलब उसके कारण कुछ और होंगे। तो कारणों का पता लगाया जाना जरूरी है, तब जाके आप वास्तविक कारण तक पहुंच पाएंगे, और तब आप बोलेंगे कि यस, मेरा जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक अध्ययन है, इसमें कोई भी मैंने मन से नहीं जोड़ा है। आ रहा समझ में? तो वैज्ञानिकता के लिए सार्वभौमिकता होनी चाहिए, तथ्य होने चाहिए, और तार्किकता होनी चाहिए। जैसे तार्किकता मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो वो बेकार है। अरे आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बेकार कैसे हो गया? सबके लिए बेकार कैसे हो जाएगा? जैसे मान लो आपको मोमोज नहीं पसंद है, आपने घोषणा कर दी मोमोज बहुत बेकार होते हैं, तो वो आपके लिए बेकार है ना, बगल वाले के लिए बढ़िया है, वो खाएगा ना। जैसे ये ठीक वैसे ही है, नॉनवेज खाना पाप है, तो आपने बोल दिया पाप है, लेकिन वो बगल वाला जो है खा रहा है, उससे तो पूछो पाप वाप लग रहा है या नहीं उसको। ठीक है? तो कोई भी घोषणा, कोई भी सार्वभौमिक जो डायलॉग है जो हम बोल देते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए ऐसा बोलते हैं, क्योंकि आपको वो पसंद नापसंद है। ठीक है ना? इसलिए आप ऐसा लिख देते हैं। तो एनीवेज वो आपकी भावनाएं हैं, वो ऑब्जेक्टिव आधार पर विश्लेषण नहीं है, और ऑब्जेक्टिव जब भी होगा वो वैज्ञानिक होगा। आपका एग्जाम कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसका क्या अर्थ है, क्यों ऐसा होता है? क्यों उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हो आप? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही पकड़े। मान लो 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 1 लाख लोगों को जांचने का एक ही आधार है, क्योंकि संख्या ज्यादा है। यदि मैं बोलूंगा नहीं इसको जांचने का आधार अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, तो फिर तो हो गया 1 लाख, कई साल लग जाएंगे कॉपी चेक करने में। तो इसलिए हमने ऐसा काम किया जिसमें 4 विकल्प सभी के लिए सेम है, तभी तो ऑब्जेक्टिव हुआ ना, तार्किक आधार पर। ठीक है? इसीलिए उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, और नहीं तो क्या होता, सब्जेक्टिव आपका कौन सा, मेंस होता है। अब मेंस में मैं अलग लिख रहा हूं, आप अलग, सब अलग अलग लिख रहे हैं, तो वहां पर जांच जो होगी उसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वहां से कम लोगों को लेना है, इसलिए वो चल जाएगा। लेकिन ज्यादा लोगों में ऐसा कर दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसीलिए उसको ऑब्जेक्टिव टाइप रखा जाता है, सबके लिए एक समान, बिना भेदभाव के। ठीक है ना? कोई भेदभाव है ही नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन सबके लिए बराबर है, और उन्हीं चारों में से ही लगाना है, पांचवा हो नहीं सकता कि नहीं नहीं ये चार तो मजा नहीं आ रहा, पांचवा है मेरा आंसर। अरे है ही नहीं ऑप्शन, कहां से लगाओ? ठीक है? तो इस आधार पर उसको ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है। आई होप क्लियर है? ठीक है? तो
तो वेबर की बात लिख रहे थे हम लोग, और इन्होंने जो कहा वो हमने लिखा मुख्य विषय वस्तु, इसका लिखेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने नहीं, ये वस्तुएं तो मैंने सिर्फ समझाया, लिखवाया नहीं है इसको, ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जाति वर्ग, इसके अतिरिक्त उन्होंने जाति वर्ग, बस सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वैज्ञानिक व्याख्या है, उसके आगे लिखे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जाति वर्ग कौमा सामाजिक असमानता कौमा आर्थिक सामाजिक असमानता कौमा आर्थिक व्यवस्था कौमा धर्म कौमा नेतृत्व के प्रकार आदि को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। फिर लिखिएगा सोरोकिन, व्यक्ति का नाम है सोरोकिन के अनुसार, सोरो SORO KIN, सोरोकिन के अनुसार निम्नलिखित सामाजिक एवं निम्नलिखित सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। धार्मिक कौमा राजनीतिक कौमा सामाजिक आर्थिक धार्मिक कौमा राजनीतिक कौमा सामाजिक कौमा आर्थिक आदि घटनाओं और उनके बीच पाए जाने वाले सहसंबंध दूसरा भौगोलिक घटनाओं और सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव, भौगोलिक घटनाओं और सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव, और तीसरा बिंदु समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना की आम विशेषताएं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका स्कोप वाला मामला हो गया, ठीक है। बेसिकली क्षेत्र का मतलब समाजशास्त्र कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों का अध्ययन कर सकता है। तो कुल मिलाकर यदि बिल्कुल नहीं बना तो क्या करोगे, समाजशास्त्र सभी चीज़ों का अध्ययन कर सकता है जिसमें सामाजिक क्रिया शामिल है, जिसमें भी, जैसे राजनीति है, तो अब राजनीति में समाज शामिल है यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में है, जाति, फिर धर्म है ना, फिर लिंग का असर है, मतलब कि महिला पुरुष, क्लियर है। तो आप देखोगे हर आधार पर, अच्छा फिर क्षेत्र का असर है ना, फिर आर्थिक अर्थ मतलब अर्थव्यवस्था या आर्थिक परिस्थितियों का असर है। तो राजनीति में आप देखोगे कि ये सारे तत्व हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये समाजशास्त्र का क्षेत्र है। अभी तो आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, बल्कि ऑप्शनल में एक चैप्टर होता है जाति और राजनीति, और आप देखोगे हमारे देश से जाति खत्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसको राजनीति में जिंदा रखा जाता है, जिंदा रखते हैं ना। कितना है लोग शोर मचाते हैं, जाति तो खत्म हो गई, आरक्षण खत्म करो, लेकिन
आप फिर इलेक्शन में फिर ले आते हो उसको। अभी ये लोग बोलते तो कोई भी नहीं ऑफिशियली अपने मुंह से, लेकिन हम अखबारों में तो पढ़ ही रहे हैं कि भाई एक को शर्मा को बना दिया, एक को और सरनेम को बना दिया, एक को ट्राइब्स को बना दिया, जैसे इन्होंने किया अभी तीनों राज्यों में। तो आप देखोगे तीन तीन आदमी को बैठा दिया, एक सीएम, दो डेप्यूटी सीएम, और तीनों देखो अलग अलग जाति के। इसका मतलब आपने ध्यान दिया है चीज़ों पर? जब आप कह रहे हो जाति की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो फिर जिंदा क्यों रख रहे हैं आप उसको? एक और जगह जिंदा है वो कहाँ? आरक्षण में। जैसे ही आप आरक्षण लेते हो, है ना, या ओबीसी का, वैसे ही क्या होता है, आपकी जाति जाग जाती, जाति में जागृति आ गई, तभी होगा ना। और एक और स्थान है जहां पर जाति जाग जाती है आपकी, विवाह, है ना, एट द टाइम ऑफ मैरिज, वहां पर भी एकदम से अंदर से आदमी आग बबूला हो जाता है ना। कुछ घरों में तलवारें खींच जाती हैं, अच्छा तू अब इंटरकास्ट करेगा, चल बाहर निकल मेरे घर से, पिताजी बाहर कर दिए। तो आप देखोगे भाई आप पूरी उम्र आप पढ़ते आए कि भाई जातिवादी जैसी कोई चीज़ है नहीं और इंसान इंसान होता है, लेकिन जैसे आप शादी करके बात करो पिताजी का असली रूप आ जाएगा, भले वो कितना भाषण देते हो। तो वहां पर आदमी ज्यादा तार्किक हो जाता है जाति को लेकर कि नहीं हमारी जाति का होना चाहिए, हमारे धर्म का होना चाहिए। अब हालांकि ठीक है आपके पेरेंट्स धीरे धीरे, या आप जब तक पेरेंट्स बनेंगे आपके आने वाली जनरेशन को आप वैसे ही ट्रीट करेंगे, तू शादी बस कर ले यार, बाकी जहाँ करना कर, है ना, ऐसा हो जाएगा। बता देना कि पुरुष है या महिला है ना, वो भी पूछना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्यों प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आजकल ये लोग जाति नहीं पूछते, माता पिता, लड़की है ना, मम्मी यही तो बताना था, है ना, पता चला गड़बड़ हो गई है उधर। तो एनीवेज कुल मिलाकर आप देखोगे ये समाजशास्त्र का दायरा है जहाँ पर समाजशास्त्र अध्ययन करता है। तो जहाँ पर भी समाजशास्त्र अध्ययन करता है वही उसका क्षेत्र है, वही उसका स्कोप है। आपके बुक्स में कुछ और भी पॉइंट्स लिखे हैं, वो यही सब लिखे हैं अलग अलग करके नोट्स में, सॉरी, ठीक है। समाजशास्त्र का क्षेत्र तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 60 शब्दों में पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। लिख पाएंगे इसको कि समाजशास्त्र अध्ययन कहाँ पर करता है, उसके अध्ययन की गुंजाइश कहाँ पर है? तो जहाँ भी सामाजिक समस्या हो, जहाँ पर भी सामाजिक क्रिया हो, जहाँ पर भी कोई तार्किक सामाजिक क्रिया हो, वहाँ पर ये अध्ययन करने पहुँचेगा। इसके लिए लोग, इसके लिए ये बड़ी समस्या नहीं कि लोग विवाह क्यों करते हैं, विवाह के अलग अलग पद्धतियाँ क्यों हैं, वो उसके विषय वस्तु में आएगा। जैसे लोगों का मरना, लोगों का मरना उसके अध्ययन का विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि तो प्राकृतिक घटना है, बायोलॉजिकल घटना है, शरीर खत्म होगा। अब लेकिन उसके बाद जो रिचुअल्स किए जाते हैं, जिन कर्म कांडों को हम, है ना, परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे की सोच को समाजशास्त्र में अध्ययन के रूप में लिया जा सकता है, ठीक है। मरने के बाद क्या होता है, उधर नहीं नीचे, है ना, स्वर्ग में क्या होता है वो अध्ययन नहीं है। मरने, किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसके पीछे से परिवार में क्या होता है, वो समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय हो सकता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो वो स्कोप में आएगा, समाजशास्त्र के स्कोप में आएगा। तो जहां पर भी सामाजिक घटना है वो स्कोप में आएगा। जैसे आप देखोगे समाज में कुछ संबंध बनाए गए हैं, जोकिंग रिलेशंस, जहां पर मजाक का संबंध है। तो अब आपको लगेगा ये मजाक का संबंध गलत है, लेकिन समाजशास्त्र में उसकी जगह है। अब मजाक का संबंध कहां पर है? जैसे देवर भाभी है, ठीक है, यहां पर भी है, यहां है या नहीं? नहीं है ना, देखो आपको समझ में आ गया कि इसमें नहीं है, ठीक है, यहां नहीं है। क्या इनके बीच विवाह हो सकता है या नहीं? तो जहां विवाह हो सकता है वहां मजाक के संबंध है, यहां विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि यहां माँ बेटे का संबंध है, भाई बुआ को हम माँ समान ही मानते हैं। क्लियर है?
तो वो माँ का संबंध है इसलिए वहां शादी अलाउड नहीं है। तो आप देखोगे सामाजिक व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक भी है। अब यहां व्यवस्था देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि मान लो बड़ा भाई है, उसकी डेथ हो गई, तो बड़े भाई की जो वाइफ है उसको छोटा ब्रदर मतलब जो देवर है वही शादी कर सकता। अब इसको पलट दो कि इसकी डेथ हो गई और ये वाइफ इसकी है, तो क्या इसके साथ शादी होगी? नो। यहां घूंघट का संबंध है, रेस्पेक्ट का संबंध है, जेठ पिता समान होता, वहां शादी नहीं हो सकती। क्लियर है? तो इसको ऐसा रखा गया है और जहां रखा गया है वहीं पर विवाह के संबंध पॉसिबल है। क्लियर है? तो मजाक, अक्सर ये मजाक कैसा है, ये मजाक आप देखोगे अक्सर मेल फीमेल टाइप का मजाक है ना, वहां पर उस तरह का मजाक आप कर सकते हो और वो बुरा मानने वाला संबंध भी नहीं होगा। ठीक है? तो इस इन आधारों पर क्या है, ये सेफ्टी मेजर रखा गया कि कल को ऐसा हो तो क्या होगा। जिस परिवार में मान लो महिला गई शादी हो गई, वहां हस्बैंड की डेथ हो गई, और अक्सर क्या होता था कि जो बड़ा पुत्र होता था वो सेना या ऐसी जगह पर जाता था, घर का बड़ा बेटा सेना में जाएगा, राजा की सेना में होगा, ये रूल था। तो वहीं से रूल ऐसा भी आया, अब पीछे वो विधवा हो गई तब क्या होगा, कौन संभालेगा? तो इस तरह से अच्छा, फिर देवर और भाभी के बीच जब शादी होगी तो वो शॉर्टकट वाला, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना चूड़ी पहना देना, उसी तरह से उस शादी को शॉर्टकट में रखा गया। आ रहा समझ में? तो इसीलिए कुछ समाजों में ऐसे वाली शादी को अवैध नहीं मानते हैं, क्योंकि ये समाज में चला आ रहा है। तो समाजशास्त्रीय अध्ययन इसी तरीके से है, जहां पर तार्किकता संभव है वहां पर इस तरह का मामला देखा जा सकता है। जैसे मौसी, जिसको आप मौसी बोलोगे, माँ जैसी है ना, मासी हम बोलते हैं ना, तो माँ जैसी, तो वहां पर कभी भी आप देखोगे विवाह का मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि उसको रोक के रखा गया। ठीक? तो कुछ जगह पर इस तरह की व्यवस्था को अच्छा, फिर कुछ कुछ घरों में आप देखोगे मामा की भूमिका बहुत है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में मामा अपने भांजे और भांजियों के पैर छूते हैं, देखा है ऐसा? बंगाल में आप देखोगे मामा की भूमिका बहुत है शादी में, वो जो बंगालियों में दुल्हन को या जो लड़की है उसको उठाना होता है ऐसे, है ना, तो उसको उठा के जो ले जाने वाला व्यक्ति होता है वो मामा ही होते हैं। तो इस तरह से मामा की भूमिका बहुत ज्यादा है। ठीक है? फिर मामा और बुआ के बच्चों में शादियां हो जाती हैं, वो ऐसा वैसी रखी गई क्योंकि दोनों अलग अलग परिवारों में चले गए ऐसा माना गया, क्योंकि उनका ब्लड चेंज हो गया, सेम ब्लड में मैरिज का कॉन्सेप्ट रोका गया। तो एनीवेज किनशिप या रिश्तेदारी के नाम पर बहुत बड़ा चैप्टर है ऑप्शनल में। तो मैं ये जस्ट उदाहरण ये दिया मैंने कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि समाजशास्त्र अध्ययन कहाँ पर करता है। ठीक है? जहां पर कोई सामाजिक गतिविधि है और कोई अर्थपूर्ण कोई चीज निकल कर आ रही, वहां पर समाजशास्त्र अध्ययन करता है। ठीक है? और जब वो अध्ययन करेगा तो उसमें वैज्ञानिकता का प्रतिशत होगा, क्योंकि वैज्ञानिकता नहीं होगी उस अध्ययन में तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, मनगढ़ंत होगा, बिना तथ्य के होगा। हमें तथ्य चाहिए ना, तो तथ्य के आधार पर नंबर, परसेंटेज या इतने लोगों ने ऐसा किया ऐसा बताकर जब हम अध्ययन करते हैं तो ज्यादा सही लगता है वो अध्ययन हमें, और फिर हमें लगता है कि हाँ ठीक है, इसके पीछे वाकई ये तथ्य है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब एक टाइटल दीजिए छोटा सा, समाजशास्त्र का विकास लिखिए। समाजशास्त्र का विषय वस्तु काफी पुराना है, इस विषय की उत्पत्ति के पूर्व भी, इस विषय की उत्पत्ति के पूर्व भी उस पर चिंतन होते रहे हैं। लेकिन उन विषय वस्तुओं पर
लेकिन उन विषय वस्तुओं पर एक स्वतंत्र विषय के अंतर्गत, लेकिन उन विषय वस्तुओं पर एक स्वतंत्र विषय के अंतर्गत वैज्ञानिक ढंग से चिंतन कुछ दिनों पहले प्रारंभ हुआ। यूरोप एवं विश्व के, फुल स्टॉप के बाद लिखे, यूरोप एवं विश्व के अनेक देशों में कुछ ऐसे विचारक समय समय पर आते जाते रहे हैं। जिनके कुछ ऐसे विचारक समय समय पर आते जाते रहे, जिनके विचारों ने समाजशास्त्र को एक, समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में जन्म देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो यहां से आगे कल देखते हैं हम लोग। और करंट अफेयर्स आप लोग लिखें, मुझसे चेक कराएं, जितना करा सकते हैं बहुत अच्छी बात होगी। टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको देना चाहिए। मैंने आपको टेस्ट के लिए कई बार समझाया है, यदि प्रीलिम्स का टेस्ट दे रहे हैं तो सारे प्रश्न मत कीजिए, वही प्रश्न कीजिए जो आपसे बनते हैं। 100 में से मान लो 5 बन रहे हैं आप में से, तो आप 5 बनाइए, घर में जाकर चेक कीजिए कि 95 क्यों नहीं बने। लेकिन जब आप क्लासरूम में तुक्का लगा देते हैं तो आप गलती क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या आता था और क्या नहीं आता था, क्योंकि घर में जाकर इस बात का विश्लेषण नहीं करते हैं कि मुझसे कौन सा तुक्का नहीं बन रहा है। आ रहा समझ में? चूंकि वो कॉपी हमारे पास है, पीएससी में तो जाएगी नहीं। ये ऐसा भी नहीं कि जो लड़की देखने वाले हैं उनको भेज देंगे, देखो इसके नंबर कितने खराब आते हैं। तो इसलिए आप उतना ही कीजिए जितना आपसे बनता है। क्लियर है? इससे पता, अच्छा तुक्के का दिल कर ही रहा है तो टी टी लगा दो कि तुक्का था मेरा, अलग से अपने क्वेश्चन बैंक में, तो आपको ये भी पता लग जाएगी कि अच्छा ये तो तुक्का था, है ना। तो वास्तविक जो आपने सही किया है, क्योंकि आपको मजबूत होना है, 100 क्वेश्चन ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। हम लोग तो हजारों क्वेश्चंस का टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन वहां केवल 100 क्वेश्चन बनाना है। अब 100 में से कितना सही बना रहे हो, इसी बात के ही नंबर मिलने हैं आप। तो सही बनाने की कोशिश में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा फैक्ट्स याद होने चाहिए, तीसरा करंट अफेयर्स आपने देखा पढ़ा समझा हुआ हो, तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे। यूपीएससी जैसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता, सीधे सीधे आता, लेकिन जब सीधे आ रहा है उसमें भी घुमा दे थोड़ा सा, तो फिर आप घूम जाते हो कि अरे ऐसे तो नहीं पढ़ा था हमने, पूछ लिया घुमाकर। तो थोड़ा सा घूमना सीखो, तभी जाकर आप बनाओगे। समझ में आ रहा है? तो टेस्ट देना मत छोड़िए, संकोच मत कीजिए कि मेरे 0 नंबर आए, 5 नंबर। यहाँ नंबर किसी को दिखा कर क्या फायदा है? फायदा तो तब है ना जब आपके मान लो 100 नंबर यहाँ आ रहे हैं और 100 नंबर वहां आ जाए, फिर तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो ना कि मुझसे कितने सवाल बने हैं मैंने यदि पढ़ाई की है तो, नहीं पढ़ाई की है फिर तो कोई बात नहीं, बैठो ही मत उस टेस्ट में। लेकिन पढ़ लिए हो तो फिर तो बैठना बनता है। आप जैसे मान लो अभी आपने एडमिशन लिया, इतिहास का टेस्ट हो रहा है, अब इतिहास आपने पढ़ा नहीं तो कैसे दोगे? फिर भी ट्राई करना है कि अपना ज्ञान चेक करना है, तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ऐसे करके अपने आप को ट्राई करो, और जितना इंटरेक्ट करोगे टीचर से उतने बेनिफिटेड रहोगे। आंसर्स लिख कर दिखाओ, कुछ नहीं है तो सड़ा गला जो भी आपने लिखा है लिखो तो सही, बिना देखे लिख कर देखने की सोचो आप। क्वेश्चन है रेंडमली लिखो कि अच्छा आज इसको पढ़ के देखते हैं एक बार, समाजशास्त्र क्या है, कितना हमसे बनता है।
बिना देखे ट्राई करने में क्या दिक्कत है, गलत होगा ना, इतना ही तो होगा, लेकिन आप एटलीस्ट लिखना तो सीखोगे। समझ में आ रहा है? और रिदम में पढ़ते रहिए, रिदम मत तोड़िए। एग्ज़ाम वैसे भी नहीं दे रहे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है। और उस दिन पहुंच भी जा रहे होंगे आप में से कुछ लोग जा ही रहे होंगे वैसे तो, कि सर ऐसे तुक्का देखना है, ट्राई करना है, वैसा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी मन ना रुके तो फिर तो देकर आओगे ही आप, कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको, है ना? नहीं आप तो नहीं जा रहे हो, कुछ लोग जाते हैं। हाँ अर्थ नहीं है एक्चुअली, क्योंकि खुद को अपना क्वेश्चन में डाल देते हो, अरे इसका तो निकल ही नहीं रहा, 5 बार हो गया दे दिया उसने, तो 2 बार वो भी शामिल हो जाता है जो आपने बिना सीरियस हुए दिया था। वहाँ जाके गिनती होती है, 5 अटेम्प्ट में निकला इसका, जबकि दिल से आपको भी पता है 3 तो बिना पढ़े दिया था आपने, 2 ही अटेम्प्ट में तैयारी की थी। ठीक है, तो इस तरह से कीजिए, न्यूज़पेपर लिखना शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उतना आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा हो रहे हैं, लोकसभा होने वाले हैं, डेली बेसिस पर कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, उनके बारे में पढ़ो आप, तथ्यों पर ज़्यादा अध्ययन करो। तो जितना ज़्यादा अध्ययन करोगे आप देखोगे उतनी कमांड, उसको लिखो कि अच्छा ये हमें याद है या याद रखना है, उतना लिखते चलो आप लोग, आप देखोगे आप सही जगह पहुँच जाओगे। क्लियर है? और जो विषय हो चुके हैं उनका रिविज़न कब कर रहे हो ये भी ध्यान रखो। पता चला 3 महीने से हमने इतिहास ही नहीं पढ़ा और भूल गए सब, तो ऐसे तो भूलते जाओगे। तो मैंने पहले भी पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि एक विषय हुआ उसका रिवीजन, फिर दूसरा हुआ फिर दोनों का रिवीजन, तीसरा हुआ तीनों का रिवीजन, 4 हो गए चारों का रिवीजन, 5 हो गए पांचों का रिवीजन, फिर एक को कम कर दो, एक को कम कर दो ताकि 4 ही बचे, फिर उधर से नया 5वां जुड़ जाएगा, फिर एक को कम करो, फिर 5, ऐसे करके हर बार एक एक कम कर दे, फिर नया साइकिल चालू करो, जिससे चालू किए थे फिर से वहीं से शुरू करो। लेकिन ये लिखा हुआ होना चाहिए कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? और मीडियम को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश वाले ज़्यादा पढ़ रहे हैं आप कम पढ़ रहे हो, कहीं कोई अंतर नहीं, खासकर पीएससी में कोई अंतर नहीं। यूपीएससी में थोड़ा बहुत कंटेंट का होता है, बट पीएससी में कोई टू द पॉइंट तो लिखना है। अब यूपीएससी में द हिंदू टाइप का पेपर आता नहीं हिंदी में, तो वो अंग्रेजी वाला ज़्यादा पढ़ लेता है, हिंदी वाला पढ़ नहीं पाता है, वहाँ गड़बड़ी हो जाती है, वहाँ करेंट का लोड ज़्यादा है, यहाँ नहीं है आपके पास। ठीक है, और करेंट जो मैगजीन मिल रही है वो पढ़ पा रहे हैं या नहीं? पढ़ते हैं ना? और बहुत 50 सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हसीब सर के वीडियो, हराज सर के वीडियो, इनको देखिए, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, उससे बाहर नहीं जाएगा। एक आध दो क्वेश्चन तो जाते ही हर बार हमारे पढ़ाने के बावजूद भी जाएंगे, लेकिन वो आपके पास और फेल होने का निर्धारण नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, CGGS, ये 3 आपके प्रीलिम्स को क्लियर करने वाले सब्जेक्ट्स, इतिहास, राजव्यवस्था, छत्तीसगढ़ अध्ययन, सामान्य अध्ययन। आप देखोगे इन्हीं 3ों से आप पास होते हो, 10 से 12 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन एक एक विषय के आपको मिलेंगे इतिहास और पॉलिटी में। ठीक है, तो इतना करते, चलिए कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।